नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन आर मॉडुलस फंक्शन। y इज इक्वल टू मॉड x, मतलब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। y इज इक्वल टू मॉड x मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x मतलब x इज स्मॉलर देन 0, और 0 क्या होगा मतलब x इज इक्वल टू 0। जैसे कि ये y है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y इक्वल टू क्या है मॉड x है। तो ये इधर साइड क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x बनेगा, इधर क्या बनेगा y इज इक्वल टू माइनस x बनेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 मॉड, तो x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 क्या है ग्रेटर देन 0, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या है स्मॉलर देन 0 है, तो 0 जो है वो क्या है x माइनस 1 के इक्वल। जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड माइनस 2, मतलब माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू मॉड 0 मतलब 0, मॉड x क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल देन क्या है 0 का है। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है मॉड x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन है मॉड x इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसमें क्या होगा, नो आंसर होगा क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 है। नाउ मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, आर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 6, आर x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू फोर। और फोर्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, यहां पे कितना है माइनस 4 है, क्योंकि माइनस 1 है तो इधर जाएगा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 4। फोर्थ क्वेश्चन है मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड 2x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और सेकंड क्या हो जाएगा r 2x 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, r x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट माइनस 1 कॉमा 2। नाउ मॉड, फिर मॉड के अंदर क्या है x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो मॉड x माइनस 1 फिर माइनस 2 इक्वल टू 3, आर मॉड x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, तो मॉड x मॉड के अंदर x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आर मॉड के अंदर x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 5, आर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आर x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस 4 कॉमा 6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नो राइट डाउन कि 2 की पावर मॉड x माइनस 3 मॉड इक्वल टू 2 की पावर 3, तो मॉड x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए यार, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे सॉल्व फॉर x है, तो ये क्वेश्चन है मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो मॉड x क्या है x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस x क्या है x इज स्मॉलर देन 0, और जब हम लेंगे मॉड x माइनस 2 का, तो x माइनस 2, x माइनस 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो x क्या है ग्रेटर देन 2 से है। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस x ब्रैकेट में x माइनस 2, तो x माइनस 2 क्या है स्मॉलर देन 0 से, तो x इज स्मॉलर देन 2 से। अब ये हमने एक लाइन बनाई है जिसमें ये 2 है और यहाँ ये 0 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहां से ये इधर साइड माइनस साइड है, उधर साइड प्लस साइड है, इधर ये प्लस साइड है। तो अब ये देखिए, पहले जैसे कि यहां से 0 लिया, तो ये क्या है x इज स्मॉलर देन 0 से लिया, यहाँ पे 0 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे करता रहता हूं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप पूरा राइट डाउन कर लीजिए। देखिए,
पहले हमने बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 2, पहले की हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 का निकाल रहे हैं। तो x इज ग्रेटर देन 2 में क्या है, मोर x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड मोर x इज इक्वल टू x। तो मोड जो ये मोड x माइनस 2 किसके इक्वल है, x माइनस 2 के, और जो मोड x है वो किसके इक्वल है, x के। तो जब इस वैल्यू में हमको पुट करना है तो मोड x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो मोड x क्या है, x होगा, और मोड x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x से x कट जाएगा, मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ये नॉट पॉसिबल है, मतलब x इज ग्रेटर देन 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट पॉसिबल है। अब हम सेकेंड पॉइंट करते हैं, अब ये इसका करते हैं, 0 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 2 का, इतना पहले राइट डाउन कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की। तो 0 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 2, मतलब मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, मतलब मॉड x माइनस 2 किसके इक्वल है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 के, और मॉड x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मॉड x इक्वल टू क्या है, x है, और x माइनस 2 इक्वल टू क्या है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहां पे भी एक ब्रैकेट लग जाएगा, यहां पे एक ये ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5.2, मतलब ये वैल्यू भी क्या है, नॉट पॉसिबल है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, x इज स्मॉलर देन 0 की। तो मॉड x इक्वल टू क्या है, माइनस x के इक्वल है, और मॉड x माइनस 2 किसके इक्वल है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 के। तो वही चीज यहां पे हमने लिखी, तो मॉड ये वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड x वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x आ जाएगी, और x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 3। तो x से x कट जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू 5। अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूं जिसमें वैल्यू आपकी हो रही है, पॉसिबल हो रही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सॉल्व फॉर x, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड के अंदर x माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है। तो मॉड x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या है, स्मॉलर देन 0 है, तो x इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह सेम लेंगे x माइनस मॉड x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। और उसी तरह एक मिनट, यहां पे ग्रेटर का साइन है, तो x इसका हो जाएगा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, तो x इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमने फिर से एक लाइन बनाई है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो इसमें देखिए, x पहला क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 है, मतलब कि मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1, तो मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2, 1 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 2। उसी तरह सेम तरह से x इज स्मॉलर देन 1, पहले इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आपको मैं क्वेश्चन, फिर आपको मैं इस तीन पॉइंट के हिसाब से पूरा समझाऊंगा, पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इज ग्रेटर देन 2, तो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, x माइनस 1, और मॉड x माइनस 2 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2। तो हम इस वैल्यू में पुट किए हैं, तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, और मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 3, मतलब ये वैल्यू x इज ग्रेटर देन 2 क्या है, पॉसिबल है। अब सेकेंड है, 1 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 2, तो x, तो इसमें क्या है, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, और मॉड x माइनस 2 इक्वल टू क्या है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2, तो सेम कैटेगरी हम पुट कर देंगे, तो x माइनस 1, फिर यहां पे क्या है, माइनस
ये यहाँ पे आया तो x माइनस टू की वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री, मतलब ये कट जाएगा तो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड की, इज स्मॉलर देन वन, तो इसमें हमने क्या किया, मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, और मॉड एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, तो इसको हम पुट कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वन और या एक्स माइनस टू की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और तो माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ जीरो ही बचेगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या है, पॉसिबल है। फोर्थ है कि अगर हम एक्स इक्वल टू वन पे रखते हैं, तो एक्स को हम अगर वन मानते हैं तो वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वन वन माइनस टू करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री के इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है, मतलब ये क्या है, जीरो है। उसी तरह एक्स इक्वल टू टू, तो टू को माइनस वन से करेंगे तो ये टू को माइनस वन से करेंगे तो फिर ये वन आएगा, और टू को माइनस टू से करेंगे तो जीरो आएगा, इक्वल टू थ्री, तो क्या है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, मतलब एक्स बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट कहां से, जीरो कॉमा थ्री से ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, तो इसे पूरा राइट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो बताइए। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस फोर इक्वल टू टू, तो इसको आप पहले एक्स माइनस टू का निकाल लेना कि क्या किससे ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है, फिर एक्स माइनस फोर का निकाल लेना, फिर वो लाइन बना लेना, उसमें निकाल लेना, फिर उसके बाद उसी तरीके से कर लेना, मतलब जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी कराए हैं उसी हिसाब से, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा।